नमस्कार, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज जो प्रश्न मैंने लिया है वह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह थोड़ा डिफरेंट है और ये आपके समावेशी जो शिक्षा है उससे रिलेटेड प्रश्न है कि अगर बात की जाए ऐसे बच्चों की जो हकलाते हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, जब कोई बच्चा अगर हकला रहा है तो आप कैसे उसको उस ट्रीटमेंट देंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वह है अनुचित वाक्, प्रवर्धित वाक्, परिणामकारी वाक् या लंबित वाक्। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये चारों वाक होते कौन से। तो अनुचित वाक जो सुन के बोलना, अनुचित शुद्ध किया हुआ मतलब सुना हुआ, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुचित वाक्। दूसरा होता है प्रवर्धित वाक्, ये ऐसा आपका वाक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक सांस में कितना बोल सकते हैं, कितने शब्दों को अलग कर सकते हैं या कैसे शब्दों की गति बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, स्पष्ट कैसे बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, इसे प्रवर्धित वाक कहते हैं। परिणामकारी वाक की अगर बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है प्रैग्मेटिक, मतलब ये जो आपका प्रयोजनवाद है उससे रिलेटेड है। तो ये ऐसा वाक है जिसमें सामाजिक आपकी स्पीच जुड़ती है कि क्या कहना चाहिए सामाजिक वातावरण में, कैसे कहना है और कब कहना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लंबित वाक के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जब कोई चीज़ खींच के आप बोलते हैं, लेंदी बना देते हैं उसको, खींच के उसकी ड्यूरेशन लंबा कर देते हैं, जैसे सुरताल सिखाना हो छोटे बच्चों को या किसी को वाक ध्वनि अगर अक्षमता है तो उसके लिए यूज होता है। तो अगर हकलाने के लिए यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दो है, प्रवर्धित वाक या प्रोलॉन्ग जो आपका स्पीच होता है उसे ही यूज़ किया जाता है। मैंने क्या बताया इस वाक्य के अंतर्गत, इसमें क्या करते हैं कि एक सांस में कितना शब्द आप बोल सकते हैं, कैसे शब्दों को अलग कर सकते हैं, कैसे शब्दों की गति पर नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे स्पष्ट शब्द बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न इसलिए भी बनता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके अंतर्गत आपने चार प्रकार के वाक भी देखे कि कौन सा वाक क्या होता है। अगर बात करें प्रवर्धित वाक की तो गोल्ड डायमंड ने इसको 1965 में बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया था, उसके बाद से ये हकलाने वाले बच्चों के लिए यूज़ किया जाने लगा शिक्षा के अंतर्गत।